नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। Among our children, it's not possible to clean the entire beach, but we want to inculcate values of cleanliness, inculcate values of avoiding plastics by all means. Also, we want to send a message to the villagers around that it's their beach, they have to keep it clean. We are coming from outside to clean the beach. So basically, our drive today is more to drive home the message to keep our cities clean and our beaches clean. My rector and manager will say a few words. To all of you, namaste. Aaj hamara स्कूल डॉन बॉस्को हाई स्कूल बरवली यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर हमारे स्कूल के पाठशाला के बच्चे, बच्चों के साथ में शिक्षक, शिक्षक और माजी विद्यार्थी और पेरेंट्स संगठन, हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि हमने संकल्प उठाया कि हम एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट करने के लिए एक बीच साफ करेंगे और हम यहाँ पर बीच साफ करने के लिए आए हैं। हमारे बच्चे सब डॉन बॉस्को स्कूल से आए हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल है, पेरेंट्स है, बच्चे हैं, टीचर्स हैं। हम यहाँ ये साफ करने आए हैं कि हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि अपने परिसर की और अपने घर की, अपने स्कूल की सब गंदगी हटाओ। ये जो जेलीफिश है जून महीने से बहुत ही प्रमाण से ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमारे बच्चे लोग को हम ला के कैसा भी सफाई करते हैं, तो हम तो पूरा बीच एक ही टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि ले इतना टाइम नहीं। हम जो लो टाइड है वही टाइम पे हम आके कर सकते हैं। ये हमारा सेकेंड विजिट है डॉन बॉस्को का बच्चे लोग को लेके, और हम हर महीने बच्चे लोग को लेके इधर आके साफ करेंगे। लेकिन इससे जो पर्यटक है उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि ले जब भी खेलने निकलते बीच वॉक के लिए निकलते हैं तो पैर के नीचे आते अच्छा नहीं लगते। इसके लिए हम डिसाइड किए हम हमारे तरफ से साफ करके, बीएमसी का तरफ से भी बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, उनका बेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब भी हाई टाइड के बाद जो फ्लैश आउट होता है उसको हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते।